हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है विलेज कढ़ाई चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आ गई हूँ अपने मशीन पर। तो चलिए खोद कर देखते हैं कि ज़मीन के अंदर सूरन पड़ा हुआ है कि नहीं। सूरन की खेती हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत हमने यहाँ मशीन पर लगाया हुआ है, तो हम यहाँ से सूरन ले लेंगे। यहाँ पे एक सूरन तैयार हो चुका है, तो इसको हम उखाड़ कर ले लेते हैं। सूरन में बहुत ज़्यादा जड़ें निकली रहती हैं, तो सबसे पहले हम इसको काट कर अलग कर लेते हैं। इनके जड़ों के अंदर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ज़रूर रहते हैं। सूरन की जड़ को हमने लगभग साफ कर लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेते हैं ताकि इसकी मिट्टी अच्छे से साफ हो जाए। तो चलिए, इसकी मिट्टी हमने धोकर साफ़ कर ली है। तो सबसे पहले हम सूरन के कई भाग कर लेते हैं और इसका छिलका उतार कर रख लेते हैं। ये देसी सूरन है, इसको काटने से पहले आप हाथों में ग्लव्स या पन्नी बांध दीजिए, क्योंकि इससे हाथों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। और यदि गले में चुभने वाला जिमीकंद नहीं है तो आप सरसों का तेल हाथों में लगाकर भी इसे काट सकते हैं। अब हम सूरन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेते हैं। अब हमने सूरन को काट लिया है, तो हम इसमें अब नमक डालेंगे। नमक हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि इसमें जो गले में चुभने वाला तत्व है वो ख़त्म हो जाए। और नमक को इसमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। और इधर हम तब तक प्याज को काट कर रख लेते हैं। प्याज को हमने टुकड़ों में काट लिया है और ये हमने एक कद्दूकस लिया हुआ है, इसमें हम प्याज को डालकर कद्दूकस कर लेंगे। प्याज को हमने कद्दूकस कर लिया है, इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और इधर जो सूरन में हमने नमक डाला हुआ था, देखिए कितने अच्छे से उसने पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको 3-4 पानी से अच्छे से धो लेते हैं।
सूरन की सब्जी बनाने के लिए हमने लिया हुआ है, ये हमने सूरन लिया है जिसे हमने काट लिया है, और ये हमने प्याज लिया हुआ है जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, ये हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया है, अदरक और लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये हमने हरी धनिया की पत्ती है जिसे हमने काट लिया है। मसालों में हमने लिया हुआ है, ये हमने धनिया ली हुई है जो पीसने के बाद 2 चम्मच के करीब आएगी, और ये हमने गरम मसाला लिया हुआ है पीसने के बाद 1 चम्मच के करीब आएगा, और ये हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, और ये हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है नमक स्वाद के अनुसार। तड़का लगाने के लिए हमने लिया हुआ है, ये हमने लाल मिर्च ली हुई है, 4 लाल मिर्च ली हुई है हमने, जीरा लिया हुआ है, तेज़पत्ता लिया हुआ है 2, और कुछ खड़े गरम मसाले लिए हुए हैं हमने। अब हम धनिया को सिलबट्टे पर रखेंगे और गरम मसाले को भी सिलबट्टे पर रख लेते हैं और इसे बारीक पीस कर तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमें सूरन को फ्राई करना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं सूरन। सूरन को डालने के बाद हम इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सूरन को हम बीच बीच में उलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे। सूरन हमारा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर बदल चुका है, तो हम इसको अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा था तो हमने उसे निकाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और हम इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा को हम थोड़ा तड़कने देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले और उसे थोड़ा सा भून लेते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च को हम थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ प्याज और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे और हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन जो हमने कद्दूकस किया हुआ था उसे डाल देंगे और इसके साथ ही उसे भूनेंगे। प्याज अदरक और लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम उसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और जो हमने मसाले पीस कर रखे थे उसको इसमें डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। मसालों को हमें मीडियम आंच पर भूनना है ताकि हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से पक जाएं।
तो हमारे मसाले पक चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं सूरन। सूरन को डालने के बाद हम इसे मसालों में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सूरन को हमने मसाले में अच्छी तरह से मिला लिया है, अब हम इसमें आवश्यकता के अनुसार डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं नमक। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने इसमें पहले भी नमक डाला हुआ था। नमक को डालने के बाद हम इसको रसे में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसको ढक देते हैं, ढककर हम इसे 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो हमने इसको बीच बीच में चेक भी किया था, तो आप देख सकते हैं कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब हम कढ़ाई को चूल्हे पे से नीचे उतार लेते हैं। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो हम इसमें डाल देते हैं हरी धनिया की पत्ती। तो चलिए आपको हम एक प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। आप इसी तरह सूरन की सब्जी बनाएंगे तो जो सूरन की सब्जी पसंद नहीं करते हैं वो भी खाने लगेंगे। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।